भैया मैं कंटिन्यू पढ़ नहीं पाती, और पढ़ते हुए ये समझ में आता है कि शायद कुछ होगा नहीं। और माता पिता पहले बहुत मतलब सपोर्ट करते थे, लेकिन अब सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको मैं रिज़ल्ट ला के नहीं दिखा पा रहा हूँ। इस तरीके के कमेंट दो तीन नाम मैं बताता हूँ, एक शिखा का है, एक रीना का है, एक राहुल का है, एक विवेक का है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने कुछ मिलते जुलते कमेंट किए हैं, तो उनके सवाल का मैं और उनकी ये जो प्रॉब्लम है उसका मैं कुछ सॉल्यूशन बताता हूँ। कि सबसे पहले आप जो कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट के बारे में क्यों सोच रहे हैं? अगर आप रिज़ल्ट के बारे में सोच के करेंगे तो हमेशा रिज़ल्ट के ही जल्दी पाने, मतलब तुरंत मिल जाए, मतलब अगले महीने हो जाए, इसी बार हो जाए, जैसे भी हो जाए, बस हो जाए, आपको वो चाहिए बस। आप ये भूल जाते हैं कि उसके लिए मुझे कुछ चुकाना पड़ेगा, कुछ बेचना पड़ेगा अपना। सबसे पहले उस चीज़ की वैल्यू को चुकाना सीखो। जो भी पद आपको चाहिए उसके लायक आपको बनना पड़ेगा। आप उस पद को भूल जाइए एक समय के लिए, लेकिन उसके लिए जो चीज़ चुकानी है, जैसे कि आपको इंडिया गेट घूमने जाना है, तो शुरुआती दौर में आपको इंडिया गेट को भूल कर अपने गांव, अपने शहर से इंडिया गेट तक जाने के लिए जो पैसा देना है, जिस ट्रेन में बैठना है, जिस बस में बैठना है, वो आपको तय करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली इंडिया गेट घूमने नहीं आ सकते। उसी तरीके से आपको जो सरकारी नौकरी चाहिए, जो सिलेक्शन चाहिए, उस तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है, पहले उस रास्ते को दिल से, इच्छा से, पूरी मेहनत से, कड़ी शिद्दत से, उस रास्ते को ही अपना रिजल्ट मानो, उस रास्ते को ही अपना जीवन मानो। यानी कि उस पढ़ाई को, उस टेस्ट को, जो टेस्ट आप डेली दोगे, उस पेपर को, उस मॉक को, उस सिलेबस को, उसको जीना सीखो। देन इसके बाद आप उस रिजल्ट के सामने खड़े हो जाएंगे और वो नौकरी आपकी होगी। हम पढ़ते पढ़ते क्यों भटक जाते हैं? क्यों हमारी पढ़ाई लॉन्ग टर्म नहीं हो पाती है? क्यों हम अपने माता पिता की बातों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? क्यों हम अपने आप से डिस्ट्रैक्ट हो जा मतलब अपने आप से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपनी बातों में ही खो जाते हैं, कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते हैं? इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो उसका रास्ता है ना, हम उस रास्ते को ही भूल जाते हैं कि वो रास्ता इतना लंबा है, मुझे उस रास्ते को तय करना है, मुझे इतनी देर, इतना समय, इतने महीने के लिए अपने आप को उस चीज़ में झोंकना है। आप इस चीज़ को पहले डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। आपको केवल एक दिखता है कि यूपी पुलिस का पेपर आ गया भाई, यूपी कांस्टेबल का पेपर आ गया, बस लेना है, बस मुझे कांस्टेबल बन जाना है, इस बार सिलेक्शन चाहिए, कैसे भी चाहिए, चाहिए कैसे भी चाहिए, चाहिए, ठीक है। आपको टीचर बनना है, ठीक है, बनना है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बेचना भी तो पड़ेगा, अपना समय, अपना वो पेन, अपना वो दर्द। आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, लेकिन फिर भी आपको बैठाना पड़ेगा अपने आप को। आपका मन नहीं करेगा टेस्ट मारने का, जब 100 में से 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर आएंगे, आपका मन नहीं करेगा। आपका मन बार बार कहेगा कि पहले सिलेबस पढ़ ले, पहले ये कर ले, पहले उसकी वीडियोस देख ले, कहीं से कोई भैया मिल जाए, कहीं से कोई दीदी मिल जाए, किसी का सिलेक्शन हुआ मिल जाए, कोई बंदा बता दे मेरे को, कोई बुक्स सजेस्ट कर दे, कोई टेस्ट, मॉक टेस्ट सजेस्ट कर दे, कोई शॉर्ट ट्रिक्स बता दे। ये बार बार आपके अंदर चीज़ें आएंगी, आपके अंदर ये भावना आएगी कि चलो अभी नहीं हो रहा है, अभी मेरा माइंड ख़राब है, मैं कल से पढ़ना शुरू कर दूंगा, मैं सुबह से पढ़ूंगा, मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, अभी मेरे से नहीं हो रहा है, अभी बैठ जाता हूँ। लेकिन अभी नहीं होगा, फिर वो, फिर कल वही सिचुएशन आएगी। आपको जो करना है, जैसा करना है, वो अभी से ही करना पड़ेगा, चाहे मॉक में आपके 10 नंबर आए, चाहे 50 नंबर आए, आपको निरंतर करना ही पड़ेगा। मन नहीं करेगा, पढ़ना पड़ेगा। पूरे 24 घंटे में अगर आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो 4 घंटे तो आपको देना ही देना पड़ेगा, 6 घंटे आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी रास्ते को जब निरंतर आप करोगे, तभी तो आपका जीवन बदलेगा। जब इस रास्ते को नहीं कर पाओगे, इस रास्ते को तय नहीं करोगे, तो मन तो भटकेगा ही ना। माँ बाप की छोटी छोटी बात आपको चुभेंगी, यार दोस्तों को देखोगे, उनकी छोटी छोटी चीज़ें चुभेंगी। जब कोई घूमने जाएगा, कोई किसी फंक्शन को अटेंड करेगा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे, तो वो खलेगी ना। आप अपने काम में लगे रहो, काम में, काम मतलब 6 घंटे, 4 घंटे निरंतर, लगातार लगातार, आपको 20 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, तब तक। कोई बहुत लंबा एग्ज़ाम है ना, मान लो किसी एग्ज़ाम की डेट ही नहीं आ रही है, और कोई एग्ज़ाम 8 महीने बाद है, तो आप 6 महीने का एक टारगेट लोगे, मुझे 6 महीने तो रगड़ना है, चाहे एग्ज़ाम 2 साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो, चाहे 50 साल बाद हो, मैं 6 महीने के लिए रगड़ूंगा अपने एग्ज़ाम को। 6 महीने के लिए मुझे अपने आप पे काम करना है बस।
लेकिन अगर कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है 2 महीने 3 महीने 4 महीने में है, तो वो 2 3 महीने 4 महीने ही आप पूरा का पूरा फिक्स कर लो, समझे। फिर देखो आपका आपकी कंटिन्यूटी कैसे नहीं बनती है, आप जो है बीच बीच में गैप कर दे रहे हो, बीच बीच में आपका जो विश्वास टूट रहा है, ये विश्वास टूटना ख़त्म हो जाएगा। आप केवल केवल कुछ दिन लगातार कीजिए, और वो कुछ दिन कब हफ्तों में बीत जाएंगे, वो हफ्ते कब महीने में बीत जाएंगे, वो महीने कब कई महीने में बीत जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कब आप अपने रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। देखो आज और अभी और इसी वक्त बहुत लंबी दूरी तय करने के लिए अपने आप को तैयार करोगे तो सब कुछ होगा, लेकिन आज सोचो कि आज के दिन ही मैं सब कुछ सीख जाऊँ, आज के दिन ही मुझे सब कुछ आ जाए, आज के दिन ही मैं पढ़ना सीख लूँ, मुझे टेस्ट लगाना आ जाए, मेरे नंबर बढ़ जाए, मेरा सिलेक्शन का पूरा दौर ही आज के दिन हो जाए, तो नहीं होगा। वो थोड़ा थोड़ा आपको अपना समय नष्ट नहीं करना है, इस चीज़ को देना है। आखिरकार ये समय ही तो है जो हम अपना समय बेचते हैं। कुछ लोग अपना समय फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट बेच देते हैं, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, यारी दोस्ती में बिता रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, तो वो उनका समय तो फ्री में बिक रहा है। लेकिन आप अपने समय को अगर अपनी किताबों के साथ रखोगे, अपने टारगेट के साथ रखोगे, जो आपने वो चार्ट में लिखा है कि मैं टीचर बनूंगी, मैं इस बार रेलवे में लोको पायलट बनूंगा, मैं RPF SI निकालूंगा, मैं UP पुलिस में कांस्टेबल बन के रहूंगा, वो जो लिख के रखा है आपने, अगर उसको ध्यान में रखकर आप अपनी किताबों को पढ़ पढ़ कर कंटिन्यू बार बार पढ़े जा रहे हो, बार 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 आप उसी हिंदी की यूथ कंपटीशन की बुक पढ़े जा रहे हो, बार बार आप किरण की किताब मैथ की बनाए जा रहे हो, बार बार आप स्पीडी की करंट अफेयर पढ़े जा रहे हो, बार बार, एक बार करने से नहीं होगा। आप बार बार जब करोगे ना, आपको खुद से एहसास हो जाएगा, आप खुद मेरी वीडियोस देखने के लिए नहीं आओगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचेगा, आपको मुझे नहीं देखना पड़ेगा, आप खुद से आपको समझ में आएगा कि दैट्स इट, मैं राइट ट्रैक पे हूँ, अब मुझे कोई हिला के दिखाए। आप जब एक बार उस ट्रैक पे चढ़ जाओगे ना, तो आपकी ट्रेन रुकने वाली नहीं है, फिर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं है, समझे। तो जो मैंने तरीके बताए आप उसको फॉलो करना। थैंक यू वेरी मच।